हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं प्रसाद वाली बूंदी, क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलती हैं, कहीं कहीं पर मिलती हैं। और गाइज, ये 2-in-1 रेसिपी है। आप चाहें तो प्रसाद वाली बूंदी भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे लड्डू भी बना सकती हैं। तो देख सकते हैं, ये हमने ले ली है अपनी चीनी, जो कि 1.5 kg है। ये डाल दिया है पतीले में। देखिए, हम थोड़ा सा सूखी वाली, ड्राई वाली बूंदी बनाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा आधा केजी और बढ़ा करके जूसी वाली जो बूंदी भी बना सकती हैं। तो हमने 1.5 kg ले लिया है चीनी, और इसमें डाल दिया है एक गिलास पानी। तो पानी हमने इतना डाल दिया कि ये देखिए चीनी के ऊपर है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, चलाते हुए इसकी बना लेंगे चाशनी। देखिए, चाशनी ऐसी हमें बनानी है कि तार की चाशनी नहीं बनानी है। सिंपल जैसे हम जलेबियों की चाशनी बनाते हैं, उसी तरह से हम चाशनी बना लेंगे। ये बहुत जल्दी 5 मिनट में बन करके ये रेसिपी तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। और गाइज, एक बात और कि हम इस ये जो चीनी ले रहे हैं वो 1 kg बूंदी के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि रेडीमेड बूंदी है तो उसी के हिसाब से हम ले रहे हैं 1 kg बूंदी, और उसी के हिसाब से 1.5 kg चीनी हमने ले रखी है। तो देखिए, चाशनी हमने बना ली है, और हाथ में लेते हुए ऐसे देखना है कि बस इसमें तार नहीं बनना चाहिए, बस ऐसी होनी चाहिए जैसे कि शहद होता है, बस उसी हिसाब से हमें चाशनी बनानी है। और ये देखिए, हमारा बन चुकी है चाशनी अच्छे से। अगर आपकी चाशनी चीनी की थोड़ा सा गंदी महसूस हो रही हो, तो इसमें 1 स्पून के करीब दूध डाल दें, जो कि ऊपर की जो झाग आएगा उसको निकाल दें, तो चीनी साफ़ हो जाएगी। तो इसी तरह की चाशनी बनानी है। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने इसको निकाल कर रख लिया है बाहर, जिससे कि हल्का ठंडा हो जाए। और ये हमने ले ली है इलायची, क्योंकि प्रसाद के लिए बना रहे हैं, तो हमने इसमें इलायची ले ली है 5 से 6। इसको हम अपना कूट लेंगे, और इसके दाने निकाल कर हम डाल देंगे और छिलके अलग निकाल देंगे। ये देखिए, चाशनी बिल्कुल गर्म नहीं रहनी चाहिए, खौलती हुई नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा गुनगुनी रहनी चाहिए। तो देखिए, चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, सिर्फ 2 मिनट बाहर रखा है। और अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 kg पूरी बूंदी डाल देंगे। ये देखिए, 1 kg बूंदी डालना है। आप इसमें कलर डालना चाहते हैं तो चाशनी में कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि पूरा होटल के स्टाइल में बन जाएंगी। हमने इसमें कलर वगैरह नहीं यूज़ किया, सिंपल लिया है। तो अगर आप सूखी बूंदी बनाना चाहते हैं, खिली खिली बूंदी बनाना चाहते हैं, मतलब सूखी क्या, खिली खिली बूंदी बनाना चाहते हैं जिसमें चाशनी तो हो मगर दिखे नहीं चाशनी, उस हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो आप 1 kg बूंदी के लिए 1.5 kg चीनी ले लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। एक बात और गाइस, इसमें जो चाशनी में हमने लेमन 2 से 4 बूंद ऐड किया है, वो थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी उसके लिए सॉरी। तो देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे। एक बात और गाइस, अगर आप जूसी बूंदी चाहते हैं तो उसमें आप 2 kg चीनी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, 2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो चुका है, और हम अपना ले लेंगे ड्राई फ्रूट, काजू और किशमिश है तो इसको हम डाल देंगे। तो इसको भी मिक्स कर देंगे ऐसे ही। तो देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो, बहुत अच्छी बहुत यम्मी है ये, बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, पास से हम बूंदियाँ दिखा रहे हैं तो कितनी अच्छी और खिली खिली बूंदी हमारी दिख रही है, चाशनी से भरी हुई। तो ये देख सकते हैं गाइस, बूंदी उठाएंगे और देखिए इसके अंदर कितनी चाशनी बूंदी में गई है कि आप देख सकते हैं। कोई भी बूंदी उठा के देख लीजिए, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा कि कितनी सारी चाशनी एक बूंदी ने सोख करी है। तो इसी हिसाब से आप बना लीजिए, ये देखिए गाइस। और इसको मिक्स करते हुए हम रखेंगे। तो देखिए, हमने 1 नारियल का पूरा गोला लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसको हम डाल देंगे, ग्रेवी डेकोरेट करने के लिए अलग से रखा हुआ है। और ये हमने डाल दी है अपनी, पूरा का पूरा नारियल डाल दिया है बूंदियों में। तो इसको मिक्स कर देंगे, और देखिए सर्व कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी कितनी यम्मी और कितनी खिली खिली बूंदी दिख रही है, बहुत ज़्यादा जूसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत यम्मी खिली खिली बूंदी बनेगी। तो पूरा बस रेशियो आप याद रखिए कि 1 kg बूंदी के लिए 1.5 kg चीनी, अगर आप थोड़ा सा जूस वाली चाहते हैं चाशनी वाली तो आप 2 kg चीनी कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, ऊपर से हमने थोड़ा सा नारियल गार्निशिंग के लिए कर दिया है, तो इसका लगाएंगे हम भोग घर में, और एक्स्ट्रा जो बना करके रखा है।
यहाँ पर रामायण है तो उसमें हम प्रसाद के रूप में देंगे जो कि सभी लोगों में अच्छे से बट जाएगा, तो इसी वजह से हमने बनाई हुई है। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।